फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कुछ याद करने को कहे तो आप आज भी रट्टा मारते होंगे, लेकिन रट्टा मारने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और साथ में उसको जब आप रट्टा मारते हैं तो थोड़ी दिन बाद आप भूल भी जाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको रट्टा मार के नहीं याद करना पड़ेगा और आप उसको जब याद करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ये आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है। तो फिर हम चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे जो ट्रिक आती है इसका नाम है माइंड पैलेस। अब आप सोच रहे होंगे माइंड पैलेस क्या है, तो इसका आंसर है कि यानी कि आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपका माइंड है वो इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही लंबे समय तक स्टोर रखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपका माइंड सोचेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं यानी अगर उसको आप रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो आगे चलकर आप अगर भूल भी जाते हैं तो अगर उस बारे में आप जरा सा ही याद करेंगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा, यानी कि आपको रिविजन करते टाइम दोबारा फिर रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। इस ट्रिक को आप अगर यूज कर देखेंगे तो आपको 2-3 दिन के बाद जरूर इसका असर दिखाई पड़ेगा। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आज आपको जो आज 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये लॉन्ग टाइम में वर्क करेंगे, मतलब शॉर्ट टाइम में वर्क नहीं करेंगे, इसको वर्क करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप इसको जरूर से जरूर थोड़े दिन तक ट्राई कीजिएगा, फिर आपको जरूर असर दिखेगा। ट्रिक नंबर 4, ये जो हमारी ट्रिक है इसका नाम है ट्रेटॉक, यानी ट्रेटॉक है इस ट्रिक का नाम। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ट्रेटॉक क्या है, तो ट्रेटॉक का मतलब होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको गाना, रैप या मतलब किसी और चीज़ से रिलेट करें, कविता जैसा, मतलब इस टाइप से याद करें। अगर आप इस टाइप से याद करते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर आपने रसायन विज्ञान पढ़ा होगा तो आपने इसमें पीरियोडिक टेबल का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन आपने जो पीरियोडिक टेबल में एक मैं आपको सेंटेंस दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, लेकिन अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हाँ लीना को मिल गई रूबी सीज फायर। यानी कि अगर आप इस तरह याद करेंगे तो आपको ये टेबल पूरा याद हो जाएगा, यानी कि इतना सेंटेंस जो टॉपिक है वो आपको याद हो गया है। लेकिन अगर इसी तरह आप इसको रटते तो याद नहीं होता, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें जो कुछ शब्द हैं वो अलग से आ गए, यानी कि उस शब्दों का कोई यूज नहीं है, लेकिन वो जो शब्द हैं वो उसको पूरा कर रहे हैं। इसीलिए आप जब ऐसे कुछ बनाएंगे तो उसको जब याद करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। इसको आप जरूर से जरूर अपने रियल लाइफ में रिलेट कर देखिएगा, आपको इसके बारे में जरूर से जरूर रिजल्ट मिलेगा इसका। नंबर 3 पे हमारा जो टॉपिक आता है, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि खुद को ही समझाना। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि यानी कि आप जिस चीज़ को याद, यानी कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसको खुद को ही समझाने की कोशिश कीजिए, या फिर आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप एक टीचर हैं और आप स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप जो टीचर हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनको समझा रहे हैं। आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका है, यानी कि आप पेन और पेपर का यूज कर आप खुद को ही समझा सकते हैं, यानी कि पेन और पेपर पर लिखकर आप खुद को समझा सकते हैं। इससे जब आप ये जब ट्रिक्स यूज करेंगे तो आप जिस चीज़ को याद करेंगे वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ को मतलब कि खुद समझाएंगे, यानी कि आप जिस चीज़ को खुद को समझाएंगे उसको समझाने से पहले आपको खुद समझना होगा, और जब आप खुद समझ जाएंगे तो आपको खुद याद हो जाएगी, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ, पर आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको इसकी ज़रूर मत कीजिएगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ। ये जो हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक मतलब इसमें आप जैसे आप जो गेम खेलते हैं, आपको ये बात का ध्यान रखना कि आप उन गेम गेम्स को भी खेलें जो दिमाग वाले होते हैं, जैसे लूडो, चेस, यानी कि जो चेस वैस गेम्स हैं, इन सब गेम्स में माइंड का यूज होता है। इसको अगर आप खेलेंगे तो आपका माइंड शार्प होगा, तो इन गेम्स को जरूर खेलें। और आप बाहर भी वो गेम्स खेलें जिनमें माइंड का यूज हो, यानी कि आप जैसे पबजी फ्री फायर खेलते हैं वैसे वो भी खेलें, क्योंकि उन गेम्स को खेलने से आपका माइंड और तेज होगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने बताया है कि आप जो इन गेम को खेलते हैं तो आपका माइंड तेज होता है, क्योंकि जो आपकी माइंड पावर है वो बढ़ने लगती है। नंबर 1 नंबर की जो ट्रिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी आज की वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आप जरूर से जरूर फॉलो करें। ये ट्रिक है कि आप दिन में, यानी कि आपको अगर दोपहर में टाइम मिलता है तो आप आधे घंटे सो लें,
आधे घंटे सोने से ऐसा होता है कि उस वक्त आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है, और जो होता है कि आपका माइंड जो होता है वो ज़्यादा पावर इकट्ठा कर लेता है, जिससे आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ाई ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। और अगर आप याद कुछ मतलब याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं और वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो ना कि आपका माइंड नहीं लग रहा है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप बाहर निकलिए और 10-15 मिनट इधर उधर टहल लीजिए। अगर आप 10-15 मिनट इधर उधर टहल लेंगे, तो आप जब टहल होंगे यानी कि जब टहलने के बाद आप जब दोबारा पढ़ने आएंगे, तो आपका माइंड पढ़ाई में लगने लगेगा। इसका यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान रखें, अगर आप जैसे 2-3 घंटा लगातार पढ़ते हैं, तो इससे आप ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ सकेंगे। उसी जगह अगर आप जैसे आधा घंटा पढ़े, फिर 10 मिनट रेस्ट ले लिया, फिर आधा घंटा पढ़े, अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप ज़्यादा पावर कंज्यूम कर सकेंगे, यानी कि आप ज़्यादा नॉलेज ले सकेंगे, और वो चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रखेगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आपको 1-2 हफ्ते के अंदर जरूर जरूर रिजल्ट मिलेगा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो जब डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।